स्टूडेंट्स, टुडेज अवर स्टडी पॉइंट कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। अ कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म टू रिकॉर्ड द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन डन बाय द पार्टनर विद द पार्टनरशिप फर्म। मतलब स्टूडेंट, पार्टनर ने फर्म के साथ जो भी इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन किए हैं तो वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए फर्म में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी किया जाता है। एंड नेक्स्ट, एंड इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर एंड एडिशन इन कैपिटल इन एनी मीन्स आर रिकॉर्ड एट द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। एंड ट्रांजेक्शन विच रिड्यूस द कैपिटल आर रिकॉर्ड एट द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। मतलब स्टूडेंट, पार्टनर्स फर्म में जो कैपिटल लेके आता है और कैपिटल में जो इंक्रीज हो रहा है वो सारी एंट्री कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे की जाती है, और पार्टनर्स की जो कैपिटल जो रिड्यूस करने वाले सारे ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर से मैं आपको समझा दूँ। एंड इनिशियल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर एंड एडिशन इन कैपिटल इन एनी मीन्स आर रिकॉर्ड एट द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। एंड ट्रांजेक्शन विच रिड्यूस द कैपिटल आर रिकॉर्ड एट द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, देर आर टू मैथड टू मेंटेन कैपिटल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट मैथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मैथड एंड सेकेंड फिक्स कैपिटल अकाउंट मैथड। स्टूडेंट, आप सब जानते हो कि जब आपने 11th में फाइनल अकाउंट रेडी किया था जिसमें आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वो आपने लर्न किया था। ठीक है, अब जब 12th में आप पार्टनरशिप फॉर्म रेडी कर रहे हो और पार्टनरशिप फॉर्म के फाइनल अकाउंट रेडी कर रहे हो, तो यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये दो अकाउंट यहाँ पे ऐड होने वाला है। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड की डिटेल हमें यहाँ पे लर्न करनी है। पॉइंट नंबर वन, फ्लक्चुएटिंग, नाम से ही आपको पता चल जाता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। मीनिंग अ मेथड इन विच द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ एनी पार्टनर इज रिपोर्टेड फ्लक्चुएट, मतलब फ्लैक्सीबल, इज नो एज फ्लक्चुएटिंग और टेम्पररी कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों यहाँ पे फ्लक्चुएट, मतलब सेम नहीं होती अमाउंट। ठीक है, मतलब इसको फ्लैक्सीबल मीन्स टेम्पररी कैपिटल अकाउंट भी बोला जाता है। ठीक है, अंडर दिस मैथड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पार्टनर ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। ओके, यहाँ पे सारे पार्टनर्स के रिगार्डिंग सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए एक ही अकाउंट रेडी किया जाता है और वो है कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, फिर से मैं समझा दूँ, अंडर दिस मैथड टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द पार्टनर्स ओनली वन कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। ओके, मीनिंग की बात की जाए तो फिर से मैं आपको मीनिंग समझा दूँ। अ मेथड इन विच द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट एंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ एनी पार्टनर इज रिपोर्टेड फ्लक्चुएट मीन्स फ्लैक्सीबल इज नो एज फ्लक्चुएटिंग और टेम्पररी कैपिटल अकाउंट मेथड। और यहाँ पे आपको एक ही अकाउंट रेडी करना होता है और वो है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर, शेयर ऑफ पार्टनर्स इज डिविजिबल प्रॉफिट आर क्रेडिटेड एट द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, शेयर ऑफ पार्टनर्स इन डिविजिबल लॉस आर डेबिटेड एट द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। To record this transaction, partner's capital account are debited or credited, keeping in mind the nature of transaction. Consequently, during the year, there is either increase or decrease in the opening balance of the capital account. Ye point dhyan rakhna. So, the balance of capital account of any partner keeps on changing every year. Thus, this method is known as fluctuating or temporary capital account. Okay, let me explain to you again. So the balance of capital account of any partners keeps on changing every year. Thus, this method is known as fluctuating or temporary capital account. And next, all transactions between the partners and the partnership firm are recorded in the partner's capital account. मतलब कि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म रिगार्डिंग सारे जो ट्रांजेक्शन हैं वो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा। अंडर दिस मेथड
balance of partner's capital is either credit or debit. If there is credit balance in capital account, it would appear at the liability sides of balance sheet, and the debit balance would appear at asset sides of the balance sheet. Okay? A specimen of partner's capital account under fluctuating account method is as under. Okay students, first यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टाइटल लिखना होगा. लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट. लेफ्ट साइड पे पहले डेट पर्टिकुलर और पार्टनर्स नेम. यहाँ पे दो पार्टनर मतलब ए और बी, और राइट साइड पे डेट पर्टिकुलर और दो पार्टनर यहाँ पे है, पार्टनर ए और पार्टनर बी. फर्स्ट हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग डेबिट बैलेंस अब कैपिटल अकाउंट मतलब कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आपको डेबिट साइड पे लिखना होगा, जो ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो तो ठीक है. नेक्स्ट टू ड्रॉइंग अकाउंट कैश बैंक एनी अदर असेट्स अकाउंट. नेक्स्ट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट. नेक्स्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो लॉस है वो भी यहाँ पे आपको डेबिट साइड पे लिखनी होगी. तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट मतलब कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वो डिफरेंस यहाँ पे डेबिट साइड पे होने वाला है. ठीक है, अब राइट साइड क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट मतलब कि ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो वो मतलब आपको क्रेडिट साइड पे लिखना होगा. नेक्स्ट बाय कैश बैंक एनी अदर असेट्स अकाउंट. नेक्स्ट बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. बाय सैलरी. बाय बोनस अकाउंट. बाय कमीशन अकाउंट. बाय रिम्यूनरेशन अकाउंट. बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट. मान लो कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट रेडी कर रहे हो तो वहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट है तो वो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखना होगा. एंड लास्ट बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स है, आपने कैपिटल अकाउंट कैसे रेडी किया जाता है वो मैंने आपको समझा दिया. तो ये पूरी स्पेसिमेन आपको रेडी करनी होगी. ठीक है, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट कैसे रेडी किया जाता है वो आप सब जानते हो, वैसे ही यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी करना है. ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्वेश्चन में पूछा जाए देर आर टू मेथड, विच टू मेथड, फर्स्ट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड एंड सेकंड फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में आपको एक ही अकाउंट रेडी करना होता है और वो है कैपिटल अकाउंट. ठीक है, और ये लास्ट तीन सेंटेंस ध्यान रखना, बैलेंस ब्रॉट डाउन कैन बी आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, एंड देर कैन बी आइदर डिविजिबल लॉस और डिविजिबल प्रॉफिट, एंड लास्ट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कैन बी आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस. ओके स्टूडेंट्स, ये स्पेसिमेन और थियोरी याद कर लेना. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड क्या है, कितने अकाउंट रेडी किए जाते हैं और अकाउंट की स्पेसिमेन वो मैं आपको समझाने वाला हूँ. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.